ऐवजदारांना स्थायी करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना घेण्यात आला होता. मात्र काही ऐवजदार जे 20 ते 30 वर्षांपासून सेवेत आहेत त्यांचे कार्ड हरवले असता त्यांना नागपूर महानगरपालिकेने सेवेमध्ये घेतलेले नाही. याच कारणास्तव माजी महापौर संदीप जोशी यांनी ऐवजदारांना स्थायी करण्याचे निवेदन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केले आहे. ऐवजदारांना स्थायी करण्याचा निर्णय माननीय देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना घेण्यात आला. परंतु दुर्दैवाने काही ऐवजदारांजवळ 20 वर्ष 25 वर्ष देखील नोकरीमध्ये असताना त्यांचे कार्ड हरवले होते आणि कार्ड हरवले असल्यामुळे शासनाने त्यांना नागपूर महानगरपालिकेने त्यांना सेवेमध्ये घेतलं नाही. तर आता याच्यावरती उपाय काय? तर याच्यावरती उपाय महानगरपालिकेच्या सभागृहाने ठराव केला, परंतु प्रशासनाने मात्र हा ठराव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवलेला होता. त्यामुळे माननीय देवेंद्रजींनीच यामध्ये लक्ष घालावं. एक एवढा मोठा विषय हा या समाजाचा त्यांनी निर्णय लावला, त्याप्रमाणे यामध्ये देखील त्यांनी लक्ष घालावं याकरता आज हे निवेदन आलं होतं. त्याशिवाय यामध्ये ऐवजदारांना कायम करत असताना अधिसंख्य नावाचा एक शब्द टाकला. त्या अधिसंख्य शब्द टाकल्यामुळे जेवढे निवृत्त होत जातात तेवढे निवृत्त होत जातात आणि नवीन मात्र भरती होत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी हा अधिसंख्य शब्द देखील महाराष्ट्र शासनाने काढण्यात यावा याकरता आज या ठिकाणी हे सर्व समाजबांधव कर्मचारी वर्ग सफाई कर्मचारी वर्ग आणि ऐवजदार हे SBM च्या नेतृत्वात या ठिकाणी माननीय देवेंद्रजींना भेटले. आणि आम्हाला आनंद आहे की देवेंद्रजींच्या प्रयत्नांनी यापूर्वी आमचे मंडळी हे कायम झाले त्याच पद्धतीने हे दोन्ही विषय देखील माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात निश्चितपणे तडीस लागेल आणि आम्हाला लवकरात लवकर निर्णय मिळेल. जिसके नेतृत्व में आज माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस इनको निवेदन देने के लिए माननीय माजी महापौर संदीप जी जोशी के नेतृत्व में यहाँ सब संगठना के पदाधिकारी उपस्थित हुए. मेरे साथ ही सारे संस्था के पदाधिकारी कार्यकर्ता और ऐवजदार भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं. विशेषकर जो मुद्दा माननीय संदीप जी ने आपके समक्ष रखा है कि ऐवजदार सफाई कामगारों को स्थायी करने का निर्णय माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने लिया, इनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. लेकिन उसी के साथ ही आज जो ऐवजदार जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि जिन ऐवजदारों के कार्ड ऐसे 336 ऐवजदार रहे जिनके कार्ड ओरिजिनल जो FG कार्ड जिसको कहते हैं वो गुम हो गए किसी कारणवश, जिसके चलते आज उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है. तो इस विषय को लेकर के माजी महापौर संदीप जी ने महानगर पालिका के सभागृह में ठहराव भी लाया था, जिस ठहराव के आधार पे सभी कामगारों को जो जिनका जो मस्टर रोल होता है उसके मस्टर रोल को सत्य प्रत्य कर उसके आधार पे इनको स्थायी करने का निर्णय जो लिया था वो निर्णय भी आज प्रशासन ने शासन की तरफ मान्यता के लिए मात्र भेजा है. लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महापौर सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी के निर्देश पर अगर महानगर पालिका इस प्रकार से कार्रवाई करती है तो ये ऐवजदारों के साथ अन्याय है. इसीलिए हम आज यह हमारी पुकार को लेकर के आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जिनसे हमें इस अपेक्षा रही है. और उसी के साथ ही दूसरा जो मुद्दा है कि ऐवजदार सफाई कामगारों को स्थायी करते वक्त अधिसंख्या पद का इस्तेमाल किया गया है, जिस अधिसंख्या पद के कारण मैन गो पोस्ट गो पैटर्न के माध्यम से जैसे जैसे यह कर्मचारी की उम्र 60 वर्ष की हो जाती है यह कर्मचारी आपो सेवानिवृत्त होता है और इसका पद आपो आप व्यापगत होता है, जिसके कारण आज नागपुर महानगर पालिका में जैसे जैसे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं वैसे वैसे कर्मचारियों की संख्या कमी होते जा रही है. ऐसे ही अगर चलते रहा तो आने वाले समय में नागपुर महानगर पालिका में ऐवजदार सफाई कर्मचारी जो स्थायी हुए हैं वो सारे के सारे नगण्य शून्य हो जाएंगे. इसलिए हमने आज माननीय देवेंद्र जी से निवेदन किया है कि इन सारे कर्मचारियों को नियमित कर लाट पागे समिति की सिफारिश वारसानक की सिफारिश इनको भी लागू किया जाए ताकि आने वाले भविष्य में इनके इस वारस को नौकरी मिल पाए. धन्यवाद.